समस्या और समाधान जीवन है तो मजे के साथ साथ समस्याएं भी बहुत सारी है। इंसान कोई न कोई मामले में उलझा ही रहता है, किसी किसी को कुछ समस्या लगी ही रहती है। समस्या के नाम गिनाने लगूंगा तो लगता है एक बड़ी किताब ही लिखनी पड़ जाएगी, लेकिन हर समस्या में एक समानता है कि उसका मकसद इंसान को किसी न किसी रूप में तकलीफ पहुंचाना है। उसी प्रकार समस्या को सुलझाने के कुछ तरीके कमोबेश सभी समस्या में काम आते हैं। एक बात तो आप अपने दिमाग में अच्छी तरह समझ ले कि एक बार कोई समस्या अगर आपके गले पड़ गई तो आप उसका सामना करके ही जान छुड़ा सकते हो। समस्या एक तरह से प्रकृति द्वारा संचालित मिसाइल की तरह है, आप कितना भी भागोगे वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। आप कहीं भी जाओगे वो परछाई की तरह आपके साथ चलेगी। आप खाली समय ले या बर्बाद भले कर सकते हो, लेकिन आपको उसका सामना अवश्य भी करना पड़ेगा। हाँ, समस्याएं बहुत प्रकार की होती है जिनमें कुछ को कभी कभी टालना भी पड़ सकता है, क्योंकि कई समस्या वक्त के साथ ही खत्म होती है, लेकिन आपको उसका समाधान अवश्य भी करना पड़ेगा। समस्या को सुलझाने में आप नीचे लिखे कुछ उपाय जरूर आजमा सकते हैं, यह सभी निःसंदेह प्रभावी साबित होंगी। एक, शरीर। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई है तो समझ लीजिए उसका पहला वार आपके शरीर पर पड़ने वाला है। तकलीफ में शरीर का ठीक रहना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी मुसीबत से अवश्य लड़ पाएंगे। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। तकलीफ के दिनों में थोड़ा ज्यादा और पौष्टिक खाना खाएं, यह सही है कि आप अगर मुसीबत में हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि आपको समस्या का सामना करना ही पड़ेगा तो उसमें आपका शरीर ठीक रहना जरूरी है। शरीर कमजोर हो या पतला हो या वजन कम हो तो निराशा और चिंता बहुत जल्दी घर बना लेती है और आप एक दो और बीमारी का शिकार बन जाते हो। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो भी मुसीबत में अगर आपका वजन 2-4 किलो बढ़ भी जाता है तो यह अच्छा ही है। जिनका वजन तय वजन से थोड़ा ज्यादा है उनमें निराशा की भावना जल्द प्रवेश नहीं करती है। आप सकारात्मक हो जाते हो, जो कि किसी मुसीबत से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। शरीर अगर ठीक रहेगा तो आप किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकोगे। आप मानसिक रूप से मजबूत होगे, शारीरिक रूप से बलशाली दिखोगे तो आधी मुसीबत अपने आप ही भाग जाएगी। यह कहावत सही है कि दुर्बल के हजार दुश्मन सो अपने आप को सबल बनाए। गरीब हो अमीर, उसको खाना अपने हिसाब से अच्छा ही खाना चाहिए। तो मानसिक संतुलन बनाए रखें और हिम्मत और धैर्य से काम लें। किसी भी मुसीबत के समय आप कोशिश कर अपने मानसिक संतुलन को बिगड़ने न दे और धैर्य बनाए रखें। कोई भी मुसीबत या सामने वाला आपको विचलित करने की पूरी कोशिश करेगा। अपने तनाव और गुस्से को काबू में रखें। हाँ, वक्त के अनुसार आप थोड़ा गुस्सा भी दिखा सकते हो। अगर कोई आपसे कोई सही ढंग से पेश न आए, आपने अगर हिम्मत और धैर्य से काम लिया तो जरूर उससे निकलने का रास्ता भी सूझेगा। 3, चिंता नहीं चिंतन करो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो। कोई भी समस्या या परेशानी होती है तो कोई न कोई कारण अवश्य होता है। सबसे पहले उस कारण को खोजिए, तब आप उसका निदान अच्छी तरह से कर पाएंगे। यहाँ एक बात तय कर दूँ, अगर आप तकलीफ में हैं, तो समाधान भी आपको खोजना है। अपनी परेशानी को कागज पर लिखें और सामने अपने पास क्या उपलब्ध है या क्या हो सकता है को ध्यान रखें। बुरे वक्त और समस्या में मैनेजमेंट का ध्यान रखें। दूसरे लोग या घर वाले या मित्र हो सकता है आपको ही पूर्ण दोषी और गलत माने, लेकिन अगर आप सही है तो सही आदमी चुनकर ही सलाह या मदद ले। ऐसे लोगों को भी याद करें, जब आप अच्छे थे तब आपने उनकी मदद की थी, वो लोग आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तकलीफ या मारपीट में सरकारी सहायता का भी उपयोग करें। भारत का कानून आपकी मदद जरूर करेगा, देर हो सकती है, लेकिन अगर आपको अच्छा होना है तो आप हो जाओगे। ज्यादा लोगों को समस्या बताकर कोई फायदा नहीं होता है, सही आदमी और संस्था का चुनाव करें। 4, तकलीफ के वक्त बुरी आदत या व्यसन पर काबू करें। एक तो आप तकलीफ में है तो आपको उनको अगर ठीक करना है तो आपका शरीर और दिमाग दोनों का ठीक रहना जरूरी है। अगर आपको शराब या सिगरेट की आदत है तो उसको कम से कम करने की भरसक कोशिश करें। मैं जानता हूँ यह आसान नहीं है, तकलीफ में इनका सेवन बढ़ जाता है, लेकिन यह केवल थोड़े समय का ही सुख देती है।
बुरी आदतों को तकलीफ के समय संपूर्ण बंद करना भी बहुत हानिकारक है, क्योंकि गंदी आदत और बुरे लोगों की संगत को आप एक झटके में नहीं छोड़ सकते हो। धीमे धीमे काम करके ही यह काम करें। 5. एहसानमंद रहें। अगर कोई आपकी सहायता करता है, किसी भी रूप में उसको याद अवश्य रखें। जब आप ठीक हो जाएं तो उसका एहसान अवश्य चुकाएं या चुकाने की इच्छा रखें। याद रखें, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहने वाला है। कभी भी किसी को किसी की जरूरत पड़ सकती है। कोई पैसे से सहायता करता है तो कोई शरीर से तो कोई अपने प्रभाव से सहायता लेने और चुकाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कई समस्या हो तो उनकी अलग अलग श्रेणी बनाए और प्राथमिकता के आधार पर ही सुलझाए। दबाव में किसी भी हाल न आए। सबसे पहले हर हाल में अपने खान पान पर और अपने परिवार की सेहत पर ही ध्यान दे। शरीर और दिमाग मजबूत होंगे तो समस्या को सुलझाने में मदद करेंगे।